नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल स्काई। हिंदू धर्म में वरलक्ष्मी व्रत को बहुत पवित्र व्रत माना जाता है। वरलक्ष्मी पूजा का दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित दिनों में से एक है। वरलक्ष्मी देवी स्वयं महालक्ष्मी का ही एक रूप है। वरलक्ष्मी देवी का अवतार दुधिया महासागर में हुआ था। माना जाता है कि देवी वरलक्ष्मी का रूप वरदान देने वाला होता है और वो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। इसलिए देवी के इस रूप को वर और लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। वरलक्ष्मी व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष के दौरान एक सप्ताह पूर्व शुक्रवार को मनाया जाता है। ये राखी और श्रावण पूर्णिमा से कुछ ही दिन पहले ही आता है। इस दिन की अपनी खास महिमा है। इस व्रत को रखने से घर की दरिद्रता खत्म होती है, साथ ही परिवार में सुख संपत्ति बनी रहती है। वेदों पुराणों एवं शास्त्रों के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को वर लक्ष्मी जयंती मनाई जाती है। इस साल वर लक्ष्मी व्रत 24 अगस्त 2018 को है, जिसे वर लक्ष्मी जयंती भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत शादीशुदा जोड़ों को संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करता है। नारित्व का व्रत होने के कारण सुहागिन स्त्रियाँ अति उत्साह से ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। वरलक्ष्मी व्रत को रखने से अष्ट लक्ष्मी पूजन के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर पत्नी के साथ उनके पति भी इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये व्रत कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। वरलक्ष्मी व्रत पूजा के लिए अवश्य वस्तुओं को पहले से एकत्रित कर ले। व्रती को इस दिन प्रातः काल जागना चाहिए, घर की साफ सफाई कर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही व्रत का संकल्प करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को नए कपड़ों, जेवर और कुमकुम से सजाएं। ऐसा करने के बाद एक पाटे पर गणपति जी की मूर्ति के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति को पूर्व दिशा में स्थित करें और पूजा स्थल पर थोड़ा सा तांदुल फैलाएं। एक कलश में जल भरकर उसे तांदुल पर रखें। तदुपरांत एक नारियल पर चंदन हल्दी कुमकुम लगाकर उस कलश पर रखें। माँ की मूर्ति के समक्ष दिया जलाएं और साथ ही वरलक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद महिलाओं को बांटें। इस दिन व्रती को निराहार रहना चाहिए। रात्रि काल में आरती अर्चना के पश्चात फलाहार करना उचित माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल स्काई से।